चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, राइट। इस सब्जेक्ट में वी नो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, दो चीज निकालना अपने को, और अकॉर्डिंगली उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। हमने हमारी इंट्रोडक्शन क्लास में आपको ऑलरेडी समझा दिया है हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट कैसे आता है, ये हमने आपको ऑन एन एवरेज थोड़ा थोड़ा बताया है। आज हम आपको सिखाएंगे हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सर्विस, उसमें हम हमारा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइस ऑफ सर्विस आ जाएगा। बेसिकली दिस इज द मेथड विच इज यूज्ड फॉर सर्विस सेक्टर्स, राइट। दिस इज द मेथड विच इज यूज्ड फॉर सर्विस सेक्टर, मतलब ये कॉस्टिंग मेथड है विच इज यूज फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज। दिमाग में डाल लो, ये जो मेथड है, दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूज फॉर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज सच एज, सर फॉर एग्जाम्पल वी हैव ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी वहां पे एक होगा, यहां पे एक होगा, आइए आइए। बिकॉज उसको आगे कर देना वो बेंच को। रिलैक्स, वी आर गोइंग फॉर अ बिगर प्लेस नेक्स्ट मंथ। एनीवेज लिसन टू मी केयरफुली, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हमने आपको क्या सिखाया, हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में हमने आपको सिखाया था हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। वो एक जस्ट छोटा सा एक पार्ट था, और भी हम लोग डिटेल में करेंगे, राइट। आई हैव टॉट यू बेसिक लेवल में हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। आज हम आपको सिखाएंगे कॉस्ट ऑफ सर्विस, सर्विस प्रोवाइडर लोग अपना कॉस्ट कैसे निकालता है, क्या सर्विस क्या सीखने वाले आप लोग, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सीखने वाले हैं कि सर्विस प्रोवाइडर का सीखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सर्विस, सर्विस प्रोवाइडर लोग जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो लोग अपना कॉस्ट कैसे निकालता है, आज हम लोग इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो बेसिकली हमने जो लिखा है, इट्स अ मेथड, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अ मेथड यूज्ड बाय सर्विस इंडस्ट्री टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सर्विस, अकॉर्डिंगली दे एड देयर प्रॉफिट मार्जिन। हम आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाएंगे, लाइव, अकॉर्डिंगली यू विल एड योर प्रॉफिट मार्जिन, यू गेट द सेलिंग प्राइस। इज इट क्लियर? सो बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री में कौन कौन सा इंडस्ट्री कवर होता है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सच एज पैसेंजर बस, सच एज पैसेंजर बस, लॉरी, लॉरी इज बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टैक्सी, आई एम नॉट प्रमोटिंग उबर बट बेसिकली उबर सर्विसेस, ओला, एयरक्राफ्ट, राइट। एकदम छोटे 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 उस समय हम लोग थे, हमारे बचपन में उस समय स्कूल बस, इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन, यू हैव टू हियर, ओनली पर्सन हु विल से एनीथिंग इज मी, द ओनली पर्सन हु विल जोक इज मी, एवरीथिंग आई विल डू यू हैव टू जस्ट लिसन टू मी प्रॉपरली, डोंट इंटरप्ट, राइट। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, देन वी हैव होटल इंडस्ट्री, हॉलीडे होम्स,
guest house, service apartments. Hospitals. We have hospitals. ये लोग कोई सामान नहीं बेचता, दे सेल सर्विसेस, राइट? हेलो, लाइब्रेरी, या ये हम लोग की आदत है कि हम लोग वहां से बुक झाड़ के लाते हैं, बट एक्चुअली लाइब्रेरी कोई किताब बेचता नहीं है, वो बुक आपको यूज करने के लिए देता है फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. ये हमारी कला है, वो हमारे अंदर जो हुनर है जो हम उसको अपना मान लेते हैं उन किताबों को, बट एक्चुअल में हमारा नहीं होता, लाइब्रेरी हमें यूज करने के लिए दिया है. इट्स वन ऑफ द सर्विस सेक्टर. पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी. आपने गोइंका जी से इलेक्ट्रिसिटी उसका सर्विस यूज कर रहे हैं, उसको नहीं खरीदा आपने, राइट? तो ये सब चीज आप ध्यान में रखेंगे. यहां पे सामने वाला कुछ बेच नहीं रहा है हमको, सामने वाला खाली सर्विसेज अवेल करवा रहा है, उसके बदले में हम उसको पैसा दे रहे हैं. इज इट क्लियर? ये सारे हैं, और भी कई सारे सर्विस सेक्टर आएंगे, वो अपने धीरे धीरे बात करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग करेंगे पैसेंजर बस का, राइट? उसके पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं. अगर मैं उबर कंपनी की बात करूं, आप लोगों ने सुना होगा ये एग्जांपल बहुत बार. उबर कंपनी वाला लोग जो फेयर लेता है हम लोगों से, राइट? उबर कंपनी वाला लोग जो फेयर लेता है हम लोगों से, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टू यूनिट्स. मार्क माय वर्ड्स, सर्विस सेक्टर में कस्टमर को जो चार्ज किया जाता है वहां पे सिंपल यूनिट यूज नहीं होता. सिंपल यूनिट मतलब पर केजी, पर किलोमीटर, पर यूनिट, पर आवर. इट इज नॉट चार्ज लाइक दिस. सर्विस सेक्टर में जो कस्टमर को चार्ज किया जाता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू यूनिट्स. इट्स अ कॉम्प्लेक्स यूनिट, कॉम्पोजिट यूनिट. अगर आपने उबर का कभी बिल देखा होगा ट्रैवल करने के बाद, उबर कंपनी चार्जेस यू ऑन द बेसिस ऑफ किलोमीटर ट्रैवल्ड as well as on the basis of time taken in order to complete the journey. Uber company जो हमसे fare लेती है, दो चीज का लेती है. एक, जितना time हम travel करेंगे उसका पैसा लेगी, plus जो kilometer travel हुआ उसका भी पैसा लेगी. Let me tell you in detail. Suppose मान लेते हैं हम Uber service provide कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक driver रखना पड़ेगा, yes or no? तो उस ड्राइवर की सैलरी है मान लो 18,000 रुपए. ड्राइवर सैलरी है 18,000, ठीक है? उसके अलावा और क्या क्या खर्चा होगा? रोड टैक्स होगा, परमिट फी होगा, इंश्योरेंस कॉस्ट होगा, डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ टायर होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा, और भी कई सारे खर्चे होंगे, हाँ है ना? बट लेट अस अज्यूम फॉर आवर सिंप्लिसिटी पर्पस कि खाली एक ही खर्चा है, ड्राइवर सैलरी. ड्राइवर खुद ही आके सुबह धो देता है, कुछ पार्ट खराब होने से खुद ही ठीक कर देता है, इंश्योरेंस वगैरह की आवश्यकता नहीं है, राइट? अदर एक्सपेंसेस है नहीं, बट एक्चुअल में ये लिस्ट और ऐड होगा. इसमें क्या क्या ऐड होगा? इंश्योरेंस कॉस्ट, रोड टैक्स, परमिट फी, डेप्रिसिएशन ऑफ कार, रिपेयर एंड मेंटेनेंस. अच्छा, गाड़ी को जहां स्टोर करेंगे रात में रखना पड़ता है ना, फुटपाथ पे थोड़ी रख देंगे. गराज रेंट, अकाउंटेंट का सैलरी, अकाउंटेंट रखें तो पेन कॉपी ये सब भी मंगाएगा, स्टेशनरी. दीज आर दी अदर एक्सपेंसेस, बट लेट अस अज्यूम कि वो सब नहीं है. दूसरा टाइप का खर्चा है जो उबर सर्विस वाला लोग हमसे लेगा. उबर सर्विसेज का दूसरा टाइप का जो खर्चा है, दैट इज पेट्रोल कॉस्ट. क्या? पेट्रोल कॉस्ट. क्या हुआ? पेट्रोल कॉस्ट. मान लेते हैं एक लीटर का दाम है 80 रुपया, और एक लीटर में माइलेज देगा 10 किलोमीटर का. एक लीटर का दाम कितना हुआ? और एक लीटर तेल ढालने से 10 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, तो क्या मैं बोल सकता हूं पेट्रोल कॉस्ट है 8 रुपया पर किलोमीटर, हाँ या ना?
बरोबर है ना? मैं जहां झूठ बोलूं आप मुझे बोलना, सर आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है? खर्चा थोड़ा कम बेसी हो सकता है, आइए। तो ऊबर सर्विस प्रोवाइड करने का मेरे ये दो खर्चे हैं। सबसे पहले मैंने आपको, अगर आप मेरी इंट्रोडक्शन क्लास ध्यान से देखे होंगे तो आप लोगों को मैंने प्रॉपरली बताया है, पहले हम लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस निकालते, मैंने वही किया है। आई एम हियर टू लॉन्च माई ऊबर सर्विस। हम ऊबर सर्विस का धंधा करने वाले हैं, हम गाड़ी खरीद चुके हैं, ड्राइवर को अपॉइंट कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, पेट्रोल पंप में मेरा बात हो चुका है, एवरीथिंग इज डन। नाउ आई विल फाइंड आउट माई लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस फर्स्ट। सो दिस इज माई वन ऑफ द एक्सपेंसेस, दिस इज माई वन ऑफ द एक्सपेंसेस। और भी खर्चे होते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल आएगा, नहीं माना हमने, यहाँ पे इंश्योरेंस आएगा, नहीं माना है, काफी सारा खर्चा है जो हमने नहीं माना है, अभी हम मानते हैं यही दो खर्चा है। अब मेरे को बताइए ये वाला जो खर्चा है ये क्या बेसिस पे वैरी करेगा? ड्राइवर सैलरी, टाइम बेसिस पे। ये वाला जो खर्चा है ये क्या बेसिस पे वैरी करेगा? किलोमीटर बेसिस पे। सो नाउ दिस पर्टिकुलर एक्सपेंस आई विल ट्रीट एज फिक्स्ड एक्सपेंसेस फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस आई विल ट्रीट इट एज वेरिएबल एक्सपेंसेस। जैसे जैसे गाड़ी चलेगी उतना पेट्रोल जलेगा, उतना खर्चा आएगा, राइट? अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस को, मेरे को दोनों ही खर्चा कस्टमर से लेना है। बोथ दिस एक्सपेंसेस आई हैव टू रिकवर फ्रॉम वो होम। क्या उबर सर्विस ड्राइवर सैलरी अपने पॉकेट से देगा? नहीं ना, मैं दोनों खर्चा कस्टमर से लूंगा। दैट इज वाई आई हैव टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू यूनिट्स, टाइम एज वेल एज किलोमीटर ट्रेवल्ड। लेट अस स्टार्ट अवर जर्नी। आप लोग अपना उबर का ऐप निकालिए फटाफट, इट्स अ लाइव एग्जाम्पल, पैन इंडिया, एवरीवन इज हैविंग उबर, काइंडली ओपन द ऐप। उबर का ऐप निकालिए, यू विल फॉल इन लव विद द क्लास। ओपन उबर ऐप, यहां से आप टाइप करिए एयरपोर्ट, नहीं, कॉलेज आपने, हमारे यहां से आवर सेंटर लोकेशन फ्रॉम हियर टू एयरपोर्ट। एक सेकेंड प्लीज, डोंट टॉक, सुनो, मेरा बात सुनो, बात नहीं। फ्रॉम गिरिशपा कोलकाता। अरे यार ये सब बकवास बात मत करो, उबर पास पास का भी प्लीज। फ्रॉम गिरिश पार्क टू एयरपोर्ट फेयर इज हाउ मच? हाँ, 255, ठीक है। अब यहां से दमदम का देखो, दमदम ने काम करो, यहां से तुम लोग देखो गरिया, फ्रॉम हियर टू गरिया। अरे गरिया, गरिया टाइप करो ना, 196. एक काम करो, हाँ, कितना रहा? फ्रॉम हियर टू गरिया स्टेशन, टाइप गरिया स्टेशन, 320. तुम लोग इतना जन, तुम लोग इतना जन, तुम कौन सा दुनिया में, सब 250-300 बोला तुम, 150, सुनो, मेरा बात सुनो, ये भाड़ा दिखा रहा है ना, अब देखते हैं ये उबर कंपनी निकाला कैसे। कॉस्ट ऑफ सर्विस है ना, ये सर्विस का सेलिंग प्राइस है। अब ये सर्विस उबर कंपनी निकाला कैसे, ये हम सिखाएंगे आपको आज। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन द सब्जेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग दिस सर्विस, अकॉर्डिंगली यू एड योर मार्जिन, कोट द सेलिंग प्राइस टू द कस्टमर, राइट? समटाइम्स यू फाइंड, अभी जो 255 दिखा रहा है, अगर 10 लोग एट ए टाइम बुक करते हैं या गाड़ियां कम हैं तो ये भाड़ा 255 से पहुंच जाता है 450। और उस समय प्लीज, उस समय वहां लिखा हुआ रहता है फेयर इंक्रीज ड्यू टू हाई डिमांड, मतलब यहां तक कॉस्टिंग सब्जेक्ट आपको सिखाएगा। ये 255 और 305 दिस इज कॉस्टिंग, एज पर कॉस्टिंग I added my margin, I got the selling price. अब ये 255, 450, 500 बना, ये economics आ गया, demand supply. उसमें costing से कोई लेना देना नहीं है,
ऐप में दोनों डाटा फीड किया हुआ है, कॉस्टिंग वाला डाटा भी डाला हुआ है और इकोनॉमिक्स वाला डिमांड सप्लाई, तो लोग ऑटोमेटिकली देख लेता है। सर्विस अवेल करने के लिए 50 लोग खड़े हैं अभी, गाड़ियां 5 है, बट ऑब्वियस प्रीमियम में ही ट्रेड होगा। ये नॉर्मल कॉमन सेंस है, इसलिए वहां पे दिखाता भी है कि इट इज इंक्रीज ड्यू टू हाई डिमांड, वी आर नॉट चार्जिंग दिस मच, दिस इज डिमांड सप्लाई। ये डिमांड सप्लाई के कारण भाड़ा अभी 250 से 450 दिखा रहा है, समझ रहा है? देखो एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, देखो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। बचपन में जो भी चीज पढ़ा, कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, हर एक चीज काम आएगा आपका लाइफ में। दैट्स इकोनॉमिक्स, दिस इज कॉस्टिंग। अब ऊबर वाला लोग क्या करता है, ऊबर वाला को कैसे पता चला कि गिरीश पार्क से एयरपोर्ट, दिस इज द डिस्टेंस, गिरीश पार्क से एयरपोर्ट जाने में इतना टाइम लगेगा। वो लोग जीपीएस गूगल मैप फॉलो करता है। तो नाउ आप लोग अपना गूगल मैप निकालिए, निकालिए गूगल मैप निकालिए। पानी का बोतल दे, फटाफट, थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी। गिरीश पार्क टू एयरपोर्ट टाइप करके डिस्टेंस और टाइम बताओ। हाँ हाँ, एक लड़का बोला अभी, हाँ बोलो। 13 किलोमीटर 40 मिनट्स, वेरी गुड। एंड गिरीश पार्क टू गरिया कितना? हाँ 17 किलोमीटर 60 मिनट, ठीक है बेटा। हाँ अब मेरा बात ध्यान से सुनो। ये मेरा आ चुका है, अब ध्यान से सुनो। 13 किलोमीटर 40 मिनट, 17 किलोमीटर 60 मिनट, ठीक है आप ध्यान से सुनो। ड्राइवर सैलरी 18,000 है 30 दिन का, महीना में 30 दिन मानो, तो एक दिन का एवरेज कितना आया? 600 टाइम बेसिस है ना। छोटा से छोटा डिनोमिनेशन में इसको तोड़ना होगा। 18,000 महीने का, दिन का कितना? 600। ये टेक्निक सीख लो। 18,000 महीने का, महीने में 30 दिन होता है तो दिन का हो गया 600। दिन का 600 और एक दिन में एक गाड़ी 10 घंटा ही चलती है रास्ते में, ड्राइवर फिर उसके बाद उसका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। दिन का 600 और दिन में 10 घंटा, मतलब एक घंटा का कितना? 60 रुपया। और एक घंटे का 60 और एक घंटा में 60 मिनट, तो पर मिनट एवरेज ड्राइवर सैलरी कितना आया? एवरेज सैलरी पर मिनट 1 रुपया 1 मिनट का, 1 रुपया आया 1 मिनट का। और इसका एवरेज निकालने का दरकार नहीं है, ये ऑलरेडी आ चुका है। एवरेज पर किलोमीटर है 8 रुपया, एवरेज पर किलोमीटर आ चुका है 8 रुपया, ठीक है बेटा। अभी हमने आपको क्या बताया था? ड्राइवर सैलरी नहीं सर, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, गराज रेंट, रोड टैक्स, डेप्रिसिएशन ऑफ कार, डेप्रिसिएशन ऑफ टायर, देर आर अदर एक्सपेंसेस ऑल्सो, अकाउंटेंट सैलरी, स्टेशनरीज, बहुत सारा खर्चा है। तो ये जो एवरेज 1 रुपया पर मिनट आया है, 1 रुपी पर मिनट, ये एवरेज 1 रुपया नहीं आएगा बेटा, रियल लाइफ में ये एवरेज आएगा तुम्हारा 1 रुपया 80 पैसा पर मिनट। मानते हो ना मेरा बात भैया? 18,000 को दिन, आवर, मिनट में कन्वर्ट किया, वहीं पे अगर ये 30,000 होता तो, 30,000 होता तो क्या उसको फिर कन्वर्ट करते तो ऑटोमेटिकली एवरेज जो 1 रुपया पर मिनट आया वो 1 रुपया 80 पैसा आता कि नहीं आता? हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, 1 रुपया 70 पैसा 75 पैसा 90 पैसा कुछ भी आता। उसी हिसाब से बहुत सारा खर्चा ऐसा होता है जो किलोमीटर पे भी वैरी करता है, जो यहां नहीं लिखा हुआ है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, कई बार टायर का डेप्रिसिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ किलोमीटर, पता है 25,000 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, टायर साफ, नया टायर लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है जो 8 रुपया एवरेज आया है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये 11 रुपया एवरेज आएगा। यहां पे खर्चा ऐड करते जाओगे ऑटोमेटिकली ये एवरेज बढ़ता जाएगा ना।
तो अभी एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी पर मिनट कितना है? एक रुपया. लेकिन एवरेज सैलरी नहीं, एवरेज सैलरी कॉमा इंश्योरेंस कॉमा डेप्रिसिएशन कॉमा रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉमा गराज रेंट कॉमा अकाउंटेंट सैलरी कॉमा स्टेशनरी पर मिनट, मतलब एवरेज फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर मिनट. क्या बोलेंगे? एवरेज फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर मिनट इज 1 रुपया 80 पैसा एंड एवरेज वेरिएबल एक्सपेंसेस पर मिनट इज 11 रुपया. ये आ गया ना मेरा एवरेज. वंस आई हैव कैलकुलेटेड द एवरेज, हम ऐप में ये फिट कर देते हैं डाटा. जैसे ही तुम ऊबर में मारोगे फ्रॉम दिस टू दिस, वो गूगल मैप सर्विस यूज कर रहा है, गूगल मैप वाला फटाक से बता देगा 13 × 13 किलोमीटर, 40 मिनट्स. ध्यान से देखो फेयर कैसे आता है. फ्रॉम जीपी टू एयरपोर्ट, हम ऐप मारे, ये मेरा फोन है, फ्रॉम में जीपी टू में एयरपोर्ट, सीधा यहां पे फेयर दिखाया 255, हाँ, और यहां पे एक ठो बन जाता है फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. इतना कुछ दिखाता है क्या वो लोग? इतना कुछ दिखाता है, हाँ? मतलब एक चीज और साफ समझ में आ रहा है, कभी भी कस्टमर को ये सब नहीं बताने का. ये जो भी तुम कर रहा है ना, तुम्हारा अपना मैनेजमेंट के लिए कर रहा, अपना इंटरनल कंट्रोल के लिए कर रहा, अपना प्राइसिंग के लिए कर रहा है. जहां तुम कस्टमर को बता दिया कि हम तुमसे किस तरीके से पैसा ले रहे हैं, बार्गेनिंग वहीं चालू हो जाएगा. प्रेस्टो, अभी तुम लोग का सीजन आने वाला अगला हफ्ता, हाँ, वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग बिजनेस कस्टमाइज गिफ्ट शॉप. तुम लोग मग्गा में फोटो बना के देगा, ठीक है, टी शर्ट में बनाएगा. बहुत जन तो जिसका विदा हो रहा है वो लोग फोटो फ्रेम में बनाएगा हार चढ़ाने के लिए, राइट? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमाइज गिफ्ट यू आर गोइंग टू मेक, यस और नो? वो तुमको क्या बोलेगा, मग्गा में अगर किसी का फोटो चाहिए तो 500 रुपया लगेगा. वो तुमको ये थोड़ी बोलेगा कि मग्गा का दाम 200, लेबर कॉस्ट 50, प्रिंटिंग कॉस्ट 50, ये कॉस्ट मेरा प्रॉफिट 100, मिला के 500. तो तुम क्या बोलोगे पता है? किसी और का दिया हुआ मग्गा रखा हुआ है घर में, हम ला दे रहे, उसी में छाप दीजिए. द मोमेंट यू टेल हिम द ब्रेकअप ऑफ 500, ही विल स्टार्ट बार्गेनिंग विथ यू. वो कभी नहीं करता है, ये कभी नहीं होगा. अगर बता दिया ना तो बोलेगा एक काम करिए, गाड़ी दे दीजिए, हम खुद ही चला लेंगे, पैसा कम कर दो. यस और नो? इस टाइप की बातें होने लगेंगी. तो ये कभी ऐप में अंदर ही अंदर कैलकुलेट हो जाता है ये भाड़ा. वो हम आपको सिखा रहे कि अंदर अंदर होता कैसे, बिकॉज आप उस कुर्सी में बैठे हैं, यू आर द सर्विस प्रोवाइडर. देखिए ध्यान से, 13 किलोमीटर का 11 करके आया था ना एवरेज किलोमीटर पर, 11 रुपया पर किलोमीटर एवरेज आया था. कितना रहा? 1:40 मिनट का 1 रुपया 80 पैसा करके कितना आया? 215 प्रॉफिट 40, 255 कोट कर दिया. प्रॉफिट 40 मतलब मोटा मोटी 20%, जो भी कॉस्ट है उसका 20%. ये मेरा कॉस्ट आ गया, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट इस तरीके से आया. हाँ, आप देखो गरिया का भी यही सेम टेक्निक वो लोग यूज किया, गरिया वाला में भी. फ्रॉम जीपी टू गरिया सत्रह इंटू ग्यारह, 187. 60 × 1.8, 108 कितना आया? 295. किसी का 350 दिखा रहा था ना,
इसमें मोटा मोटी 60 रुपए का प्रॉफिट जोड़ दो, आ गया ना 355। किसी का 355 भी दिखा रहा था, यस और नो? तो मोटा मोटी वही है, टेक्निक वही है। देखो ये हम पहले होमवर्क करना पड़ेगा, ये हमको लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस निकाल के फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड टाइम बेसिस पे वैरी करता उसका एवरेज पर मिनट निकालो, ये पर किलोमीटर आएगा एवरेज, ऐप में फिट कर दो। और ऐप गूगल मैप सर्विस फॉलो करता है, ऐप क्या करता है? गूगल मैप फॉलो करता है। ओला वाला लोग क्या गूगल मैप फॉलो करता है? हाँ, ओला वाला लोग भी गूगल मैप फॉलो करता है। उन लोग का ड्राइवर का सैलरी कम होगा, इसीलिए उन लोग का भाड़ा एज कंपेयर टू उबर हमेशा थोड़ा बहुत कम दिखाता है। किसी ना किसी का तो कम दिखाता है। मेरा जो खर्चा है उस हिसाब से हम ऐप में डाटा फिट कर दिए, ये ऐप में ये डाटा फिट हो चुका है। अब जैसे जैसे किलोमीटर ट्रैवल, गूगल मैप जैसा किलोमीटर और टाइम दिखाएगा उस हिसाब से ये भाड़ा रिफ्लेक्ट करेगा। अब कई बार ऐसा होता है ये भाड़ा जो आना चाहिए वो नहीं आता, इसलिए वहां पे लिख देता है ड्यू टू हाई डिमांड द फेयर हैज बीन इंक्रीज। नाउ दैट इज नॉट कॉस्टिंग, दैट इज इकोनॉमिक्स। अब जो आएगा इसके अलावा भाड़ा अगर बढ़ता है, इसलिए वो लोग लिख देता है ड्यू टू हाई डिमांड इसलिए बढ़ा है, कॉस्टिंग ये नहीं है हमारी, देन इकोनॉमिक्स इज कमिंग इन टू पिक्चर। सो लाइक दिस ऊबर का फेयर इज कैलकुलेटेड। ये लोग कुछ बेच नहीं रहा है, लोग सर्विस बेच रहा है कस्टमर को, कोई गुड्स नहीं बेच रहा है। समझ में आ गया? तो पहले लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस निकाला, जो टाइम बेसिस पे वैरी करता उसका टोटल कर लिया, जे जिस के टोटल ले लिया, उसका एवरेज पर मिनट निकाल लिया, जो किलोमीटर बेसिस पे वैरी करता उसका एवरेज पर किलोमीटर निकाल लिया, ऐप में डाटा फिट कर दिया, ऐप गूगल मैप सर्विस फॉलो करता है। जैसे आप फ्रॉम दिस टू दिस मारेंगे गूगल मैप उस ऐप को बता देता है कि इतना ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करने का बात हो रहा है इसका इतना किलोमीटर लगेगा और एज पर प्रेजेंट ट्रैफिक कंडीशन इतना टाइम लगेगा। उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, अपना 20% मार्जिन ऐड करके फेयर रिफ्लेक्ट करवा दीजिए। कोई दूसरा जगह जाना चाहता है अकॉर्डिंगली उसका फेयर आ जाता है। इज इट क्लियर? अब जो भाड़ा बढ़ेगा दैट इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो इकोनॉमिक्स हो गया। क्लियर? इज इट फाइन? हाँ, सो दिस वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल विच आई हैव टू गिव यू टू इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन ये सब्जेक्ट मैटर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। यहां पे कोई भी चीज का सर्विस, कोई एनी सर्विस का अगर आपको फेयर निकालना है या सेलिंग प्राइस निकालना है, इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ टू यूनिट्स। उबर सर्विसेज में हो गया टाइम, किलोमीटर, राइट? ठीक है ना? इज इट क्लियर एवरीवन? अब हम लोग करेंगे पैसेंजर बस का, जो हमारे सिलेबस में है। क्या पता ऊबर आ जाए, अभी तक तो आया नहीं आज तक, दे माइट गिव यू। एनीवेज लेट अस स्टार्ट फॉर पैसेंजर बस। अब आप लोग कॉपी करेंगे, जो समझाना था समझा दिया हमने आपको। प्लीज बात मत करिए, समझ में आया ना? सेल्फ सर्विस, इज इट फाइन? वाह, वेरी गुड। पैसेंजर बस में अगर आप चढ़ते हैं, व्हेन यू गेट इन टू अ पैसेंजर बस, पूरा बस का भाड़ा आप देते हैं कि सारे पैसेंजर से वो फेयर लेता है?
अगर हम दो हमारे चढ़े तो आपसे चार टिकट का पैसा लेगा, समझ रहे ना मेरा बात? आप, आपकी वाइफ और आपके दो अगर चढ़ेंगे तो चार टिकट का पैसा वो आपसे लेगा। फर्दर अगर आप 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपसे 2 किलोमीटर का पैसा लेगा कि वो पूरा डिस्टेंस ट्रैवलिंग का पैसा लेगा? आप लोग देखे होंगे पैसेंजर बस में हमेशा ऐसा फेयर चार्ट लगा हुआ रहता है, अगर किसी ने गौर किया होगा तो, ए बी सी डी ई एफ जे, ठीक है, ए से बी जाने का 2 रुपया, बी से सी जाने का 2 रुपया, ऐसे करके 2-2 रुपये ऐसे है 4, अरे रुको ना यार, लास्ट वाला में 16 रुपया दिखाता है, मतलब ये ए से जी तक का, ये फेयर चार्ट, यही हम आपको सिखाएंगे, यही हम आपको सिखाएंगे। बस सर्विसेज जो लोग अवेल करते हैं, जो बस सर्विसेज का सर्विस प्रोवाइड करता है, हाउ दे चार्ज देयर कस्टमर्स, राइट? सपोज मान लीजिए आप बहुत बड़ा इंसान बन चुके, बहुत पैसा आपके पास ना, और यू वांट टू स्टार्ट बस सर्विसेज इन्वॉल्विंग अ फ्लीट ऑफ 50 बसेस, तो आपको भाड़ा निकालना आना चाहिए ना। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं। सूर्यवंशम, अमिताभ बच्चन स्टार्टेड अ बस सर्विस, उसी से वो करोड़पति बना था ना, छोटा धंधा मत समझो इसको। उसमें बोलता भी, यहां से यहां जाने का 2 रुपया और यहां से यहां जाने का 20 रुपया। मैटर में जाओ, इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ किलोमीटर, यहां से यहां जाने का 2 किलोमीटर ही है तो 2 रुपया, वहां से वहां जाने का 20 किलोमीटर है तो 20 रुपया। यहां देखिए ना, पहला स्टॉपेज या लास्ट स्टॉपेज जी है, ए से जी जाएगा तो ज्यादा भाड़ा आएगा ना। सीखेंगे सर, सिखाइए, आइए। जनरली ये इस टाइप के जो बस होते हैं वो प्लेस ए से बी दिन में एक ट्रिप नहीं मारते हैं, 5-6 ट्रिप मारते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक एग्जांपल लेते हैं अपने, ये प्लेस ए हो गया, ये बी हो गया, 7 AM बस, एट एम सेम बस, 9 AM ऐसे करते करते, बेटा दिन में कितनी बार करेगा हमको भी पता नहीं, कितना ट्रिप्स करेगा क्वेश्चन में बोल देगा। सबसे पहले स्टेप देखो, राइट, यहां से यहां जाने का है 20 किलोमीटर एक तरफा। सबसे पहले हमको यह देखना है कि ड्यूरिंग द मंथ, अच्छा यहां पे अगर कुछ नहीं बोलेगा तो वी डू मंथली कैलकुलेशन, अगर स्पेसिफिकली बोलेगा कि एनुअल कैलकुलेशन दिखाओ तो ही एनुअल दिखाएंगे। सबसे पहला वी नीड टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट टोटल किलोमीटर ट्रैवल्ड। क्यों चाहिए बोलो तो टोटल किलोमीटर ट्रैवल्ड, जल्दी बोलो, पेट्रोल कॉस्ट निकालने के लिए, सुपर। आइए, सो सर डिस्टेंस, साथ में कॉपी भी करते चलेंगे, वन वे ए से बी जाने का, खाली जाई का, इंटू टू वे मतलब जाई का आई का, यस और नो? इंटू टू करते मतलब जाने का और आने का, इंटू नंबर ऑफ ट्रिप्स, बार बार जाई का आई का दिन में 4 बार,
तो 20 किलोमीटर गया 20 किलोमीटर आया, ये एक ट्रिप होता है। ऐसा दिन में 4 से 5 बार, तो इनटू नंबर ऑफ ट्रिप्स। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। अब 30 दिन है, 300 दिन थोड़ी बस चलेगा। नंबर ऑफ बसेस, समझ में आ गया मेरा बात? क्या क्या हुआ? डिस्टेंस वन वे जाने का, आने का, ठीक है, जाने का आने का एक ट्रिप हुआ। दिन में ऐसा 3-4 होगा, तो इनटू नंबर ऑफ ट्रिप्स एक दिन का हो गया, इनटू नंबर ऑफ डेज तो एक महीने का हो गया। तो एक महीने का ही करना है, अगर बोलेगा एनुअल तो इंटू 12 करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ बसेस से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अपने मान रहे हैं मंथली कैलकुलेशन। तो लेट अस अज्यूम, हमारा ये एग्जांपल में लेते हैं, ठीक है, हमारे पास 10 बस है, 10 बसेस, ठीक है। आप लोग देखते होंगे सेम रूट का बहुत सारा बस होता है। एक तरफा जाने का कितना? 20 किलोमीटर ए टू बी, हाँ या ना, इंटू टू वेज, जाई का आई का हो गया। 4 ट्रिप मारता है दिन में, 4 ट्रिप्स, तो इंटू 4 ट्रिप। महीने में होता तो 30 दिन है, लेकिन संडे वनडे आराम आराम चाहिए, रेस्ट। 25 दिन ही बस ऑपरेट करता है, 25 डेज। हाँ, मैं कहीं पे भी गलत हूँ तो मेरे को बताना। और हमारे हमारे अंडर में 10 तो बस है, मतलब 20 किलोमीटर इंटू टू वे इंटू 4 ट्रिप इंटू 25 दिन इंटू 10 बस, कितना आ रहा बेटा? 40,000 किलोमीटर। मतलब हमारी बसेस 40,000 किलोमीटर चल रही है एक महीने में, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, ये 40,000 किलोमीटर खाली चल रही है कि पैसेंजर के साथ चल रही है? ओके, हमारा कैपेसिटी है 50 का, लेकिन 80% ही फुल रहता है एनी टाइम। मतलब हम कितना पैसेंजर कैरी कर रहे हैं ऑन एन एवरेज? पगला आएगा, 50 कैपेसिटी और 80% पैसेंजर कैरी कर रहे हैं तो 40 आएगा ना। मतलब ऑन एन एवरेज आई एम कैरिंग 40 पैसेंजर्स बेटा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, यस और नो, कैन यू टेल मी टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स अवेलिंग माई बस सर्विस? पचास सीटिंग कैपेसिटी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेट, 50 सीटिंग कैपेसिटी है, 80% ऑक्यूपाइड है। मतलब आई एम कैरिंग 40 पैसेंजर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड माई बस इज ट्रेवलिंग फॉर 40,000 किलोमीटर्स। कितना? 40,000 किलोमीटर्स। एंड यू नो दैट एवरी टाइम द पैसेंजर कीप्स ऑन चेंजिंग। अभी हम चढ़े, फिर हम उतरेंगे, कोई और चढ़ेगा, ऐसे करते करते 40 पैसेंजर आई एम कैरिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। 40 जन रहते हैं मेरे बस में, राइट? बताओ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट आई हैव कैरीड ड्यूरिंग द मंथ। 16 लाख पैसेंजर्स। कैसे आया ध्यान से देखो, 16 लाख पैसेंजर को हम ये सर्विस दिए हैं। कैसे आया ध्यान से देखो, मेरा बस चला, 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, कितना किलोमीटर? 1 ये हमारा बस है, चुप रहना। ये 4,000 पैसेंजर अंदर बैठा हुआ है,
एक किलोमीटर चला, दो दो पैसेंजर उतर गया, या 40 का 40 उतर गया, वहीं पे 40 पैसेंजर चढ़ गया, फिर 1 किलोमीटर गया, वापस से उतरा, वापस से चढ़ा, मतलब फॉर एवरी किलोमीटर ट्रेवल्ड आई एम कैरिंग 40 पैसेंजर्स। मतलब अगर कोई एक पैसेंजर 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो वो 2 माना जाएगा, 1 पैसेंजर नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस फेयर कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है ना? अगर कोई पैसेंजर 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो वो 10 माना जाएगा, 1 नहीं माना जाएगा। इट मीन्स सर यू आर टॉकिंग अबाउट पैसेंजर, 1 पैसेंजर ट्रेवलिंग 1 किलोमीटर, ऐसा टोटल कितना है? सीटिंग कैपेसिटी ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाइड इज 40, बट आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर, वो वाला पैसेंजर बताओ। तो 1 किलोमीटर, एवरी किलोमीटर ट्रेवल्ड आई एम कैरिंग 40 पैसेंजर्स, अगेन नेक्स्ट किलोमीटर ट्रेवल्ड अगेन आई एम कैरिंग 40 पैसेंजर्स, सो आई हैव 16 लाख पैसेंजर ऑन एन एवरेज ट्रेवलिंग 1 किलोमीटर। सो पहले हम क्या निकाला, किलोमीटर ट्रेवल निकाला ना, छोटा से छोटा यूनिट में ब्रेक करना होगा तब जाके अपने फेयर निकाल पाएंगे। ये जो भाड़ा है फेयर चार्ट मिटा दिया हमने, वो एक पैसेंजर का फेयर था वो, राइट? तो हम लोग को क्या करना है, हर किलोमीटर में अगर आप 40 पैसेंजर कैरी कर रहे हैं, ये उतरा फिर 40 चढ़ा, फिर ये उतरा 40 चढ़ा, उतरा 40 चढ़ा, ऐसे करते करते आपका टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर कितना हुआ, 16 लाख हुआ ना। कैसे आया? नोट टू, पैसेंजर किलोमीटर इक्वल्स टू पैसेंजर्स, नंबर ऑफ पैसेंजर इनटू किलोमीटर ट्रेवल्ड, दैट इज 40 पैसेंजर्स एट अ टाइम एंड द बस, टोटल बस इज ट्रेवलिंग फॉर 40,000 किलोमीटर, सो वी हैव 16 लाख पैसेंजर किलोमीटर। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ कॉम्पोजिट यूनिट बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट यूनिट। इसको हम लोग बोलते हैं 16 लाख टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर, 16 लाख टोटल पैसेंजर्स ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ 2 यूनिट्स, इज इट क्लियर? हाँ, समझ में आया ना मेरा बात? तो इसका मतलब 40,000 किलोमीटर मेरा बस चलेगा, 16 लाख पैसेंजर हो गया, टाइम है 1 मंथ, टाइम कितना हो गया, 1 मंथ, 1 मंथ में टोटल किलोमीटर ट्रेवल्ड, टोटल पैसेंजर्स 16 लाख, इज इट क्लियर? टोटल पैसेंजर हाउ मच, 16 लाख, बिकॉज मेरा फोन चार्ज में लगा। ठीक है ना? अब हम लोग निकालेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द मंथ, बस को चलाने का खर्चा। नोट 3, ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द मंथ,
ठीक है, क्लियर? मैं लाइन से आपको सारा खर्चा, आप बताइए एक बस को चलाने का क्या क्या, आप बताइए मैं लिखूंगा। चलो बेटा ये हो गया ना कॉपी, किलोमीटर वाला और टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर। अब मैं बस चलाने का खर्चा पूछ रहा हूं आपसे, बताओ बेटा क्या हो गया, बोलो। पहले पहले काम करते, पहले ड्राइवर सैलरी, ठीक है बेटा, और बोलो। हाँ, सैलरी में और क्या क्या, कंडक्टर होगा, ड्राइवर हो गया, कंडक्टर सैलरी हो गया, एक मैनेजर भी होगा, 10 तो बस है भैया, ये सैलरी सैलरी का पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और बोलिए, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन ऑफ बस, इंश्योरेंस, गराज रेंट, जहां पे बस को रात में रख हॉल्ट करेंगे, गराज रेंट, और बोलिए। हाँ, पेट्रोल, परमिट फी लेना पड़ता है, रोड टैक्स भरना पड़ेगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह, हैन तैन, हो गया ना, मोटा मोटी यही समझो, ठीक है। ₹6 लाख, इसका टोटल आ रहा है 6 लाख फॉर द मंथ, क्लियर? पेट्रोल के साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है ना, ऑल ओके? हाँ, अब अपने को क्या करना है, नोट 4, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो 6 लाख इज द टोटल कॉस्ट और पूरे महीने में 16 लाख पैसेंजर ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर वाला है, 16 लाख पैसेंजर ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर वाला, 16 लाख टोटल है। तो अपने को करना है क्या है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द मंथ, फॉर द मंथ डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर, यस और नो? बस का कॉस्ट नहीं आता, बस तुम्हारा 5 साल चलेगा, उसका डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, बस कॉस्ट इज नेवर एन एक्सपेंस। तुम तो लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस निकाला, ये क्या है तुम्हारा लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस निकाला है, राइट? तो तुम्हारा 6 लाख है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 16 लाख पैसेंजर किलोमीटर, रुपीस बताइए 0.375 पर पैसेंजर किलोमीटर। इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ लेना, ठीक है ना? तो इसमें क्या करेंगे, ऐड 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो 0.375 का 20% जोड़ो, जीरो पॉइंट 0.075 जोड़ने से कितना आ रहा है,
45 paisa is the fare of one passenger traveling 1 kilometer. समझ में आ गया ना? ये आ गया फेयर, भाड़ा पर पर पैसेंजर ट्रैवलिंग. अब मान लो अगर कोई पैसेंजर 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उससे कितना भाड़ा लेंगे? इनटू 5. अगर कोई पैसेंजर, अगर एक पैसेंजर, वन पैसेंजर गोज 5 किलोमीटर तो उसका फेयर कितना आएगा बताओ? 0.45 इंटू 2.25 रुपया इसका फेयर होगा. वहीं पे अगर एक पैसेंजर 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है, फेयर बताओ? सीख गया तुम लोग? 4.50, 2+1 मतलब 3 जन मोटा मोटी फेयर बता देगा ना, मान जाएंगे तुम लोग को. 0.45 इंटू 10 किया तो कितना पैसेंजर का आया? एक का, क्योंकि ये पर पैसेंजर पर किलोमीटर है. समझ में आ गया ना बेटा? हाँ बोल. कॉपी दिस. उसको ऑन कर, ऑन कर. बस चलाएगा कल से. कितना है? 48 होगा. गिनो अच्छा से. डन. समझ में आ गया ना? लेट्स रूल नाउ. प्रॉब्लम नंबर 19 या 18 है शायद, आई गेस. देखो ठीक है, जो लोग नहीं दिया लास्ट में लिख लेगा. एटीन मैम, सी ऑन द बोर्ड. क्या लिखा है पढ़ो पहला लाइन. देखो क्वेश्चन. हाँ अपना अपना बुक निकाली, देखिए उसमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इंडेक्स में होगा. देखिए चैप्टर खोलिए.
बुक निकालो ना भाई। मिला? आइए आपके साथ मैं पढ़ूंगा। पहला सवाल है, कॉस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसमें सवाल अच्छे से नहीं पढ़ा, पेपर फाड़ के आने के बाद भी मार्क्स फटा हुआ मिलेगा, याद रखना ये बात। मैं आपको समझाता हूं क्यों। गौर से देखिएगा, डिस्टेंस वन वे, टू वे, नंबर ऑफ ट्रिप, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ बस, एक भी चीज की बुआ ना पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। एक बच्चा नंबर ऑफ ट्रिप्स नहीं देख के आया, उसको एग्जाम बार बार नंबर ऑफ ट्रिप्स करवा रहा है। मजाक की बात नहीं है सब। जब भी आप सवाल पढ़ेंगे कॉस्ट में, डाटा को अंडरलाइन करना सीखिए। डाटा अंडरलाइन रहेगा, कभी भी भूलेंगे नहीं, अलग से फ्लैश करेगा। जब आप पेपर देखेंगे ना, आपके आंख में लगेगा कि हाँ ये डाटा हमने लिया नहीं है। आइए लेट अस स्टार्ट। लाओ मैं पढ़ूंगा सवाल। लाओ एक बुक दीजिए मुझे। अ ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज रनिंग 5 बसेस, अंडरलाइन दिस। पांच बस भूलना मत, लास्ट में इनटू 5 होगा। बिटवीन टू टाउन्स मतलब ए एंड बी, और 50 किलोमीटर्स अपार्ट मतलब डिस्टेंस वन वे 50, अंडरलाइन करो 50 को। 5 बस, डिस्टेंस वन वे इज 50। सीटिंग कैपेसिटी 50 पैसेंजर, अंडरलाइन होगा। सुनो, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वेर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर बुक्स फॉर अप्रैल। अप्रैल मतलब ही महीने में हो गया 30 दिन। अगर अलग से दे दिया नंबर ऑफ डेज ऑपरेटिंग इन अ मंथ तो ठीक है, इस सब में नहीं दिया हुआ नंबर ऑफ डेज ऑपरेटिंग इन अ मंथ, सब में नहीं बोला हुआ नंबर ऑफ डेज ऑपरेटिंग इन अ मंथ। अप्रैल में 30, 30 डेज ऑपरेटिंग, अंडरलाइन इट। सारा का सारा खर्चा अप्रैल मंथ का दे दिया। वेजेस ऑफ ड्राइवर्स 5 का है, ऑफिस स्टाफ, डीजल, रिपेयर, टैक्स, ओ माय गॉड, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, यू जस्ट नीड टू ऐड इट टोटल। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट, 75% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी इज फुल्ड, तो 50 का 75% करो, 37.5। अब एक बच्चा भावुकता में बह गया, बोला आधा पैसेंजर कैसे लेके जाते हैं आप लोग। आधा लेके नहीं गया, गया 38, आया 37। कोई काम से रुक गया होगा वो, उस हिसाब से ये 37.5 आया ऑन एन एवरेज। मतलब कभी 38 जाता है 37, कभी 37, कभी 38। और बस रन्स ऑल डेज इन द मंथ। अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है, 300 दिन, नंबर ऑफ डेज 30। ध्यान से पढ़िएगा, ईच बस हैज मेड 1 राउंड ट्रिप, मतलब नंबर ऑफ ट्रिप इज 1 ओनली। हमसे रुका नहीं जा रहा है। नोट नंबर 1, किलोमीटर ट्रेवल्ड बात मत करिए, बात करेंगे पछतावा होगा। बोलिए आप लोग, बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे, जनता बोलेगी, जनता बताइए फॉर्मूला, बोलिए। पहले जाइका, दैट इज
distance one way into two way into मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ ठीक है बच्चा लोग हाँ सर मल्टीप्लीकेशन में हम एकदम स्ट्रांग है आप चिंता मत करिए उस बात की आइए 50 किलोमीटर इनटू टू इनटू वन ट्रिप इनटू 30 डेज आप समझ सक रहे हैं आप मैं किस लेवल में बात कर रहा हूं एक गलती आपका 6 महीना बर्बाद कर सकती है अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है पंद्रह हजार किलोमीटर ठीक है नोट टू पैसेंजर किलोमीटर टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर इसका मतलब यही होता है क्या है नंबर ऑफ पैसेंजर्स इनटू वेरी गुड बोलिए कितना 38 क्यों लेंगे फिफ्टी का 75% इंटू थर्टी 7.5 इंटू 5,62,500 पैसेंजर किलोमीटर ठीक है किलोमीटर मंथली निकाला है क्या एनुअल तो पैसेंजर किलोमीटर भी मंथली आया तो खर्चा एनुअल आएगा कि मंथली वेरी गुड सर अपने को तो खाली टोटल करना है मंथली सर हम लोग वो स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे वो पर्टिकुलर अमाउंट वाला दरकार जब कैलकुलेट करना है नहीं तो बनाना क्यों है खाली टोटल मार के बता कितना जो कैलकुलेट करके दे दिया उनका टोटल आ रहा है बच्चे कह रहे हैं 1,39,000 पूरे महीने का बस को चलाने का 5 बस को चलाने का खर्चा करिए आप लोग करिए मैं रुका हुआ हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें टोटल कॉस्ट है 1,39,000 वाई 565,500 हाँ 62 0.2471 पर बस इस समय यही पूछा है फेयर नहीं पूछा नहीं तो प्रॉफिट ऐड करके निकालते हैं स्टार्ट करेंगे नंबर 13 जल्दी करिए आप लोग फिर हम कराएंगे
क्या बोला पढ़िए तो. यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज गिवन अ 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट टू प्ले नहीं होगा प्लाय बस होगा PLY राइट चलाने के लिए मतलब ठीक है ना. तो एक बस को एक रूट मिला है 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट है वन वे हो गया. आगे क्या बोला है यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज बीन गिवन अ 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट टू प्लाय बस. बस का कॉस्ट दे दिया इंश्योरेंस बोला 3% लगेगा रोड टैक्स दे दिया ये सब खर्चा बोला गराज रेंट दे दिया एनुअल रिपेयर दे दिया बस का लाइफ दे दिया 5 साल तो डेप्रिसिएशन निकालने में मदद होगा हम लोगों को. ड्राइवर सैलरी कंडक्टर सैलरी मंथली दे दिया ड्राइवर और कंडक्टर को 10% कमीशन देना पड़ेगा जो वो लोग आपस में इक्वली बांट ले लेगा राइट. मैनेजर का सैलरी है स्टेशनरी है पेट्रोल है. हाँ बस दिन में 3 ट्रिप मारेगा थ्री ट्रिप्स पर डे और 40 पैसेंजर एट ए टाइम वो लोग कैरी करता है. 15% मार्जिन चाहिए. हाँ और बस 25 दिन चलेगा महीने में. प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट ऑन अ फुल ईयर बेसिस. नॉक नॉक समवन इज नॉकिंग एट योर डोर. हम लोग मंथली करते बट सवाल में बोला एनुअल करने तो उसका उल्लंघन मत करना नहीं तो तुमको नंबर नहीं मिलेगा. मंथली करो एनुअली करो आंसर वही आएगा फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर बट क्वेश्चन मैंडेट्स ईयरली यू आर गोइंग टू डू ईयरली. तो यहां पे नंबर ऑफ डेज के बाद में नंबर ऑफ मंथ्स भी मल्टीप्लाई होगा ईयर्स. एक साल में कितना साल होता है एक ही होता है. आइए दोस्तों आप सभी बताइए मुझे मैं करूंगा शब्द आपके कलम हमारा. आइए मिल बांट के करेंगे. किलोमीटर ट्रैवल में डिस्टेंस वन वे कितना है 20 इंटू टू वे जाने का आने का. दिन में कितनी बार ऐसा ट्रिप हो रहा है 3 बार. महीने में 25 दिन साल में 12 महीना. महीने का हुआ 12 महीना है साल में. नंबर ऑफ बस समझ में आ गया 36,000 टोटल किलोमीटर. ठीक है टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर किससे आएगा 40 पैसेंजर है और 36,000 किलोमीटर 14,40,000 पैसेंजर किलोमीटर. ठीक है ना ऑल ओके. एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम. कैलकुलेशन मंथली करते हैं लेकिन सवाल में बोला एनुअली करने तो हम कुछ नहीं कर सकते यहां पे इंटू 12 करना ही होगा. बराबर है ऑल ओके. हाँ तीसरा समय ये एक एग्जांपल हम कराया एक अभी तुम लोग किया और एक अभी एक होमवर्क में आएगा फिर एक आते ही कल परसों करेंगे. समझ में आ रहा है मेरा बात. इज इट फाइन. मैं आपको पूछूंगा आप बताएंगे डैश
operating. सुनाई नहीं दे रहा है? कितना? सालाना. वेरी गुड. शादी हो गया है क्या तुम्हारा? तो सालाना ने बोला है. एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट. एनुअल 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 एनुअल. पाप चढ़ेगा उसको जो यहां पे 12 लेके और यहां बनाएगा मंथली. ऐसा पाप चढ़ेगा नरक में भी जगह नहीं मिलेगा उसको. ऐसे शब्द सुनने के बाद अब शायद ही एग्जाम में कोई गलती करेगा. यहां पे अगर 12 नहीं है तो यहां पे मंथली है. यहां अगर 12 है यहां एनुअल है. कंसिस्टेंसी इसी को बोलते हैं. सबसे पहला बताइए खर्चा क्या है आपका. बस कॉस्ट नहीं बेटा, बस कॉस्ट नहीं. बस का बस कॉस्ट खर्चा नहीं माना जाता है. बस का क्या खर्चा माना जाता है? अरे भैया 5 साल कमाओगे. मैचिंग प्रिंसिपल फर्स्ट पढ़ाए आप लोगों को. 5 साल ये 1 लाख का जो बस खरीदे उससे 5 साल कमाओगे तो इसका खर्चा को 5 साल दिखाएंगे ना. डेप्रिसिएशन फॉर्मूला बोलो. कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय लाइफ. एनुअल है, एनुअल ही लेना है. कोई तकलीफ होते ही बता दीजिएगा. नंबर टू, इंश्योरेंस. हमेशा कॉस्ट पे निकलता है 1 लाख का 3%, 3,000. अगला, वाओ, कैसा है रोड टैक्स? मंथली है कि एनुअल है? क्या बोल रहे हो, एनुअल रोड टैक्स लिखा है और लेना भी एनुअल ही है. उसके बाद चार सौ ले ले क्या? 400 के साथ क्या करने से क्या आएगा वो लेंगे. 400 को पहले 12 गुना करो, जो आएगा वो वाला लेंगे. वाह वाह, तुम लोग सीख गया है. यू नाउ यू हैव अंडरस्टूड द ड्रिल. बोलो. सुपर, मैं यही चाहता हूं आप लोगों से. अरे भैया खत्म कहां हुआ है? यही तो पाप चढ़ेगा तुमको. खर्चा छोड़ने का नहीं है. मेरा जैसा ब्रेन पता है लाखों करोड़ों में एक भगवान बनाता है. सम पढ़ते वक्त ही हम यह ऐड कर लिया था मन में कि टोटल एक्सपेंस 10 है. डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, गराज रिपेयर. फर्स्ट हुआ ड्राइवर सैलरी, कंडक्टर सैलरी, हरवड़ा मत, मैनेजर कमीशन. तो परसेंटेज वाला है, फिगर का बात करो. पेट्रोल, स्टेशनरी, दस्त हो. पढ़ते पढ़ते ये हो गया अंदर में. तुम लोग एग्जाम में क्या करेगा बताना, कौन सा खर्चा रह गया. ऐसे नहीं करना एग्जाम में.
एनुअल रिपेयर, चीटिंग भी एक कला है। मान लो तुम किसी का छाप रहे हो, तुमको नहीं आता है, वो ऐसा हो सकता है वो दो ठो एक्सपेंस नहीं लिया हो, तो छापने के बाद रिव्यू कर लेना भाई, तुम सारा लिया है ना। उसके बाद ड्राइवर सैलरी, छः सौ इंटू 7,200। अरे यार कितना, मैनेजर सैलरी, उसके बाद बारह सौ, क्या दिया पेट्रोल, पचास रुपया है 100 किलोमीटर का, और 36,000 किलोमीटर टोटल गाड़ी चला है, कितना कितना है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, 77760। कैलकुलेशन परफेक्ट है, एक पैसा का मिस्टेक नहीं है इसमें, 77760। विकास फोन देखो ना, ठीक है हेलो, ठीक है सबका आया ना, सब एनुअल है, कोई भी मंथली नहीं है। अब नोट फोर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर 77760 भाई 14 लाख, कितना आ रहा है रुपीस, 0.054 पर पैसेंजर किलोमीटर। कमीशन भी परसेंटेज पे है, प्रॉफिट भी परसेंटेज पे है। कमीशन है 10% ऑफ टेकिंग्स मतलब रेवेन्यू, प्रॉफिट है 15% ऑफ टेकिंग मतलब रेवेन्यू, मतलब कमीशन और प्रॉफिट मिला के 25% ऑफ रेवेन्यू हो गया। और हमारे पास कॉस्ट है, क्या है ये, तो क्या हम 25% यहां पे प्लस करके ऐड कर सकते हैं, तो परसेंटेज ऑन सेल को अपने को परसेंटेज ऑन कॉस्ट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारा प्रॉफिट एंड कमीशन है कितना, प्रॉफिट एंड कमीशन मिलाएंगे तो पंद्रह परसेंट ऑफ टेकिंग्स, और ये वाला 10% ऑफ टेकिंग्स, टेकिंग्स मतलब कलेक्शन रेवेन्यू,
तो हिसाब से हो गया ना, 25% ऑफ रेवेन्यू मतलब सेल्स, है ना। कौन आया? उसका छोटा वाला जो आदमी आता है, वेट करने बोला हुआ। प्रॉफिट एंड कमीशन हो गया 15% ऑफ टेकिंग्स प्लस 10% ऑफ टेकिंग्स, ठीक है ना। हाँ तो इसको अपने लिख सकते हैं क्या? मतलब ये हो गया बेसिकली 1/4 ऑन सेल्स, टेकिंग्स मतलब कलेक्शन, तो ये हो गया ना 1/4 ऑफ सेल। तो ऑन कॉस्ट करेंगे तो 1/3 ऑन कॉस्ट आ जाएगा, यस और नो? तो हमारा ऑलरेडी कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कितना है? 0.054। प्लस प्रॉफिट 1/3 ऑफ कॉस्ट 0.018, 0.4 का 1/3, तो 0.072 इज माई फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। प्रॉफिट इज 15% ऑफ टेकिंग्स, कमीशन इज ऑल्सो ऑन टेकिंग्स, मतलब टेकिंग्स मतलब कलेक्शन, रेवेन्यू, रेवेन्यू माने सेल्स। तो 25% ऑफ रेवेन्यू मीन्स 1/4, फ्रैक्शन करे निलम, परसेंटेज तक आई हैव कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। सो व्हेन आई कम टू कॉस्ट, base decreases, so 1/4 on sale means 1/3 on cost. I need percentage on cost because I have cost. Exactly. If this is 1/5, then it will become 1/4. वो लोग आपस में, हाँ एक ही तो बात है, तुम तो बेस बढ़ा दिया ना, तुमको यहां पे ऐड करके दिखाने का दरकार नहीं है। यू डोंट हैव टू ऐड एंड शो हियर, वो ऑटोमेटिकली तुम उसको मार्जिन में जोड़ लिया, मतलब तुम्हारे लिए खर्चा हो गया। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया कि कम किया, किसी चीज को खर्चा नहीं दिखा के मार्जिन बढ़ा लो, बात तो यही है। तो ऑटोमेटिकली ये 72 पैसा में कमीशन भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया और 0.54 का कॉस्ट भी आ गया। तुम देखो ना, ये फेयर आया, तो अब ये फेयर में से तुम 15% माइनस करो। अब डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट 15%, डायरेक्ट 10%, तो तुम्हारा 0.054 तुम्हारा कॉस्ट आएगा। फेयर का 25% करो ना, 0.018, लो आ गया कॉस्ट, क्योंकि अब फेयर आ चुका। नाउ आई कैन यूज 25% ऑन सेल। हमारे पास क्या था? 25% ऑफ सेल मतलब उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस को, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट है 0.054 इज कॉस्ट। 0.054 में अगर 25% मल्टीप्लाई कर देंगे गलत हो जाएगा सम, क्योंकि ये है कॉस्ट और परसेंटेज का बेस है सेल्स, मल्टीप्लाई नहीं होगा। पहले ऑन सेल को ऑन कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये मल्टीप्लाई वाला पार्ट कर सकते हैं हम लोग।
Is it fine? Everyone? Huh? Sabko samajh mein aaya na? Huh? Homework likho. Question 9. Question 12, question 1. Band kar isko.